कलियुग के वाला हरि गुण गा गावत न र पावही पारा जी गावत न र पावही पारा कली कर एक पुनीत प्रभावा कली कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा जी मानस पुण्य होई नहीं पापा कलियुग केवल हरि गुण गा गावत न र पावही भवता। परम सौभाग्य समस्त साधक भक्त एक साथ बैठकर महामंत्र का जाप करते हुए, हरि नाम का जाप करते हुए महाशिवरात्रि के आने वाले उत्सव में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। रामायणकार बहुत सुंदर कहते हैं, कलियुग केवल हरि गुण गाहा। इस कलियुग में केवल और केवल एक ही कार्य करने लायक है और वो है हरि के गुण, हरि के नाम को गाना। केवल कोई इतना सा कर ले, हरि नाम का जाप करें या फिर हरि के गुणों का गान करें, तो वह व्यक्ति इस भवसागर को पार कर सकता है। बहुत सुंदर कहते हैं, गावत नर पावही भव था। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग बहुत डेंजरस है, कलयुग में बहुत दोष हैं, हमारा जन्म सतयुग में हुआ होता, द्वापर त्रेता में हुआ होता। परंतु कलयुग का एक बेनिफिट, एक बहुत सुंदर लाभ इस दूसरी लाइन में कहते हैं, कली कर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग का एक पुनीत, एक बहुत सुंदर प्रभाव है, और वो प्रभाव क्या है, ये हमारे काम की बात है। क्योंकि हम लोग कभी कभी वाणी से तो बहुत अच्छा बोल देते हैं, कोई भक्त संत प्रभु जी आदि मिलते हैं, स्वागतम धन्यवाद प्रणाम बोल देते हैं, लेकिन हमारे मन में बड़ा कचरा भरा होता है। सो कहते हैं, कली कर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग में एक परम प्रताप है, और वह प्रताप क्या है, मानस पुण्य। मानस माने मन, मानस माने मन। मन में यदि हम पुण्य करेंगे तो उसका 100% आपको फल मिलेगा। बहुत सुंदर बात है, कली कर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग का एक प्रताप यह है कि मानस पुण्य, मन से पुण्य करोगे तो 100% उनका लाभ, उनका फल मिलेगा।
इसका अर्थ ये हुआ कि आप ठाकुर जी के लिए भोजन न बना सको, लेकिन बस यूं ही कोने में बैठकर मन में ठाकुर जी के लिए रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, मन में ही बनाना है तो क्यों कमी रखें? पूड़ी पौवा जितना चाहे उतना बनाओ और मन ही मन ठाकुर जी को भोग अर्पण करो। आप फिजिकली जो भोग बनाते हो उतना ही फल मन में यह सेवा करने से, यह भोग अर्पित करने से प्राप्त होगा। यह कलयुग का सबसे बड़ा प्रताप है। तब मन में प्रश्न होगा कि जब मन से धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं तो उनका पूर्ण फल मिलता है, तो फिर मन से पाप करेंगे तो वह दोष भी मिलेगा। मन से धर्म करें, सेवा करें तो उनका बेनिफिट, उसका पूरा फल मिलता है, तो फिर मन में यदि हम निंदा करें, ईर्ष्या करें, मन से पाप करें तो दोष भी लगेगा। तब बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मानस पुण्य, मन से पुण्य करोगे तो 100% मिलेगा, लेकिन हो ही नहीं पापा। लेकिन मन से यदि पाप करोगे तो वह गिना नहीं जाएगा। मन से यदि आप कितना भी पाप करो कलयुग में तो वह यमराज के किताब में लिखा नहीं जाएगा, लेकिन उसी मन से यदि धर्म करो तो 100% प्राप्त हो जाएगा। और इसीलिए मन लगाकर, बड़े मन से हमें भगवत भजन, सेवा और विशेष करके हरि नाम का जाप करना चाहिए। भारत से, छत्तीसगढ़ से, बिलाई सिटी से सूरज सोनी का प्रश्न है कि जैसे यहाँ कहा गया नीचे कि मानस पुण्य, मन लगाकर हरि नाम का जाप करें, क्योंकि कलयुग में मन लगाने से पूरा फल मिलेगा और मन में पाप करने से कोई दोष नहीं लगेगा। तो इनका प्रश्न है, जप करते समय ध्यान भटके तो क्या करना चाहिए? ये प्रश्न केवल सूरज जी का नहीं, यहाँ बैठे हुए सब लोगों का है, मैं भी आपके साथ हूँ। और वैसे आपने देखा होगा, वैसे एकांत में अकेले बैठे होंगे ना तो मन नहीं भटकेगा उतना, लेकिन जैसे ही माला में हाथ डालो पता नहीं मन को क्या स्पीड आ जाती है, दुनिया भर में भटकने लगता है। ये और कुछ नहीं है, ये माया का प्रभाव है। जब हम धर्म करते हैं, साधन करते हैं, सो माया का प्रभाव के कारण मन भटकता है, एक। और दूसरा, हमने कभी मन को अभ्यास दिया ही नहीं है, मन को कंट्रोल करने का कोई अभ्यास कराया ही नहीं है और इसीलिए मन भटकता है। आप ऐसा मत समझिए कि ये मन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, नहीं, इस मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। अरे थोड़ा सा पेट बाहर आ जाता है, उसको कंट्रोल करने में आदमी कितना दौड़ता है, कितना थक मर जाता है, हैं? एक स्थूल चीज को कंट्रोल करने में कितना कष्ट। मन तो सूक्ष्म है, अनंत अनंत जन्मों से भटक रहा है और इस सूक्ष्म तत्व को कंट्रोल ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी, अभ्यास करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी। सो एक तो है, जप करते समय मन को पकड़ के रखना चाहिए। मुझे एक एक, एक कथा याद आ रही है, कह दूं आपको, बता देता हूं। एक बार एक महात्मा जी एक नदी किनारे पर, जो कंडा होता है ना, गोबर का कंडा, उस कंडे से चूल्हा बनाकर रोटी सेक रहे थे और वहीं पर नदी में कुछ लड़के स्नान कर रहे थे, और स्नान करते हुए उन लड़कों ने देखा कि महात्मा जी कुछ भोजन बना रहे हैं। उनका स्नान चल रहा था, महात्मा का भोजन वो पकाना चल रहा था। उन लड़कों ने दूर स्नान करते करते देखा कि
महात्मा ने भोजन वो रोटी सब्जी तो बनाया, लेकिन वो रोटी बनने के बाद उनके टुकड़े किए और रोटी टुकड़े करके सब्जी आदि नदी में फेंक दिया, और जो कंडे से जो चूल्हे से जो राख बची थी वो राख उसने खा ली। रोटी फेंक दी और चूल्हे में जो जो कंडे की लकड़े की राख बची थी वो खा गए। उन लड़कों से नहीं रहा गया, वे दौड़कर महात्मा जी के पास आए। बोले महात्मा जी ये आपने क्या किया, ये मुझे समझ में हमें समझ में नहीं आया। महात्मा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मैं भिक्षुक हूं, मैं सन्यासी हूं, मुझे विचरण करना चरे वेती ये मेरा धर्म है। लेकिन तीन चार दिन से, ये देखो माइंड की बात, ये बंदे ने पूछा है ना कि मन है? बोले तीन चार दिन से मेरे मन में ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ भोजन खाऊं, रोटी सब्जी खाऊं, और मेरा मन मुझ पर इतना हावी हो गया। चार लोगों के घर पर भिक्षा करवाया, भीख मंगवाई, मुझे आटा दीजिए, तेल दीजिए, सब्जी दीजिए, और ये सारा उद्यम करके नदी किनारे पर आया और तीन दिन मेरा बिगड़ा और यहां तीन घंटा भोजन बनाने में गया इस एक मन के कारण। लेकिन महात्मा ने कहा मैंने भी मन से दुश्मनी मोड़ ली, मैंने भी ठान लिया कि रे मन तू तीन दिन से मेरे पीछे पड़ गया है, आज मैं भी तुझे देख लूंगा। तो महात्मा जी क्या किया, बोले मैंने भिक्षा मांगी, भोजन पकाया, और तीन दिन से मन को जो चाहिए था ना रोटी सब्जी, मैंने रोटी सब्जी बनाई, उसका चूरा करके नदी में फेंक दिया और मैंने राख खा ली और मैंने मेरे मन को दबा दिया, मन को हरा दिया। भक्तों ये होती है मन को परास्त करने की शक्ति। इतना उत्साह, इतनी हिम्मत, इतनी बुद्धि, इतना आत्मबल चाहिए मन को दबाने के लिए। एक बात याद रखिए, मन हमारा स्वामी नहीं है, मन हमारा बॉस नहीं है, हम बॉस हैं, आत्मा हम स्वयं बॉस है। ये मन, ये बुद्धि, ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये जो इंस्ट्रूमेंट है उनके कंट्रोल में हो चुके हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्य परमम मन मनसस्तु परा बुद्धि ये बुद्धि परतस्तु स। ये सारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल मन का है, लेकिन मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल है और बुद्धि के ऊपर हम आत्मा बैठी है। तो आत्मा को बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। अरे मन मैं तुझे भागने नहीं दूंगा, और इस प्रकार से ये आत्मा को बुद्धि के द्वारा मन को बारंबार कंट्रोल करने का अभ्यास, ये एक दो बार से नहीं होगा, ये बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करते 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 नेचुरली हो जाएगा, फिर वो स्वाभाविक हो जाएगा। इसलिए सूरज जी ने बहुत हम सब की ओर से पूछा है कि जब करते समय ध्यान भटके, तो जब करते समय ध्यान भटकेगा, क्योंकि जब करते समय क्या हमारा ध्यान भटका हुआ ही है, हमने कभी इसे कंट्रोल करने का प्रयास किया ही नहीं है। सो इस मन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है हरि नाम जाप, महामंत्र का जाप। ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस है जहां से हम हमारे मन को कंट्रोल कर सकते, बाकी और कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये हरि नाम जाप, और जब हम हरि नाम जाप करेंगे तो मन भटकेगा, लेकिन जब हम हरि नाम जाप करते हैं तो जैसे महात्मा जी ने तो बहुत हायर स्टेज पर गए, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा रोटी फेंक कर राख खा लीजिएगा, रोटी खाइए, लेकिन मन को कहना है कि नहीं तुझे ये चाहिए, मोबाइल देखना है अभी नहीं दिखाऊंगा, टीवी देखना है नहीं दिखाऊंगा, तू मेरा स्वामी नहीं मैं तेरा स्वामी हूं, तुझे मेरे कंट्रोल में रहना है, तुझे मेरे अंडर में रहना है। इस प्रकार बार बार मन को बिठाना पड़ेगा, और जब बार बार करेंगे तब जाकर ये स्वाभाविक होगा, नहीं तो एक जन्म नहीं भक्तों, इस पागल मन को कंट्रोल करने के लिए करोड़ों जन्म बीत गए फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ। बहुत अभ्यास लगेगा, लेकिन हाँ
जब हम हरि कथा और हरि नाम का सहारा लेते हैं तो ये प्रोसेस इजी हो जाती है। कैसे? जब हम हरि नाम लेते समय मन को कंट्रोल करते हैं, हरि नाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हमारा तो प्रयास होता है कि हम मन को हरि नाम में कॉन्सेंट्रेट करें, लेकिन साथ ही साथ उतना ही प्रयास भगवान का होता है कि मैं हरि नाम को इतना आस्वादनीय बनाऊं ताकि उनका मन अट्रैक्ट हो जाए। मतलब दोनों ओर से आग जलती है, वन साइड लव नहीं है, दोनों साइड से। तो ये हरि कथा और हरि नाम में एक चुंबकत्व है जो मन को खींचता है, लेकिन साथ ही साथ हमें भी प्रयास करना होगा। और ये करते 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 धीरे धीरे हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हम सोचे कि शुरू से ही ये हो जाए तो ये संभव नहीं है। अनंत जन्मों से मन भटक रहा है, इसके लिए अभ्यास करना होगा, और जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। अभी हमारा क्या है ना, आप सब तो बड़े सीनियर डिवोटी हो, बिल्कुल आंख बंद करके ले देकर हरे कृष्ण बिल्कुल मन तो आपका हाथों में होता है, लेकिन मेरे जैसे लोगों का क्या होता है कि मन अपनी जगह पर, बुद्धि अपनी जगह पर, महामंत्र अपनी जगह पर, वाणी अपनी जगह पर, सब अपने अपने एरिए में विचरण करते हैं। मन अपना काम करे, हम हरे कृष्ण करें, आंखों को जो करना है सोती है सोती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रहे, हरि नाम जप करते समय सारी इंद्रियां हरि नाम के ऊपर ही होनी चाहिए। यह है वास्तविक हरि नाम। मैं तो कहूंगा दो माला कम करो, लेकिन प्योर करो, अच्छे से करो, ताकि उनका इफेक्ट आपको समझ में आएगा, आपको अनुभव होगा। सो इस प्रकार से मन की बात आई, और फिर इनका ये जिज्ञासा है कि ये माला जो है बेल की मतलब नीम की होनी चाहिए, तुलसी की होनी चाहिए कि बेल की होनी चाहिए? साधारणतः माला तो तुलसी माला जाप करने का ही विधान है, लेकिन तुलसी माला जाप करने के कुछ नियम है, उस नियम को फॉलो कर यदि हम करते हैं तो हमें तुलसी माला से ही जाप करना चाहिए। और यदि फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं तब तक हमें नीम के बने हुए मोतियों से माला का जाप करना चाहिए। तो ये इनका प्रश्न, ये भी सेम है, हाउ टू फोकस इन हरिनाम चैंटिंग रेदर ऑल पर्सनल प्रॉब्लम। ये कहते हैं कि ये जो पर्सनल प्रॉब्लम हमारे जीवन में बहुत सारी होती है, इस पर्सनल प्रॉब्लम के साथ, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम के साथ हम हरि नाम में फोकस कैसे करें? कौन है? विश्वजीत, मुंबई से, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया से विश्वजीत का ये प्रश्न है कि अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम रहते हुए हम हरि नाम में फोकस कैसे करें? विश्वजीत बाबू, मेरा अनुभव तो ये कहता है कि जब प्रॉब्लम ज्यादा होती है ना तब हरि नाम में फोकस बहुत अच्छा होता है। जब अधिक प्रॉब्लम होती हैं तो फोकस बहुत बढ़िया होता है, कभी आप देखिएगा। और जब प्रॉब्लम नहीं होती हैं, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। सो हाँ, लेकिन प्रॉब्लम के समय हरि नाम में फोकस का बढ़ना ये तभी होता है जब शास्त्र का ज्ञान हो, साधु संगति हो, कुछ भगवत कृपा हो, नहीं तो कई बार होता है प्रॉब्लम आने पर आदमी टोटल हरि नाम को छोड़ देता है, छोड़ो ये सब मगजमारी। लेकिन मैं तो कहूँगा जब प्रॉब्लम होगी तब सारी चीज को एक और छोड़कर केवल हरि नाम का आश्रय लेकर बैठ जाना चाहिए। जैसे माता कुंता ने कहा, विपद संतु न शश्वत, कृष्ण आप मुझे विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि जब दुख आते हैं ना तो हमारा स्मरण बढ़ जाता है, आपकी यादें बढ़ जाती हैं। सो प्रॉब्लम में हरि नाम का स्मरण अधिक हो, ऐसा भी अभ्यास होना चाहिए। और एक हरि नाम के विषय में प्रश्न पूछा है कि इस्कॉन में 16 माला महामंत्र की रोजाना जाप करना क्यों आवश्यक है? वैसे हमारी परंपरा के अनुसार तो 64 माला का नियम है, 64 राउंड प्रतिदिन हमें जाप करना चाहिए।
लेकिन शिल प्रभुपाद जैसे संत, शिल प्रभुपाद जैसे महान शुद्ध भक्त हम पर इतनी कृपा किए कि वो सारी चीज अपने ऊपर ले लिए और इतना कहे कि आप केवल 16 माला जाप करो, आपको वैकुंठ ले जाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो एक शुद्ध भक्त के आश्रय में, उनकी सेवा के भाव में यदि हम ये 16 माला जाप करते हैं तो शुद्ध भक्त की कृपा से हम हरि को प्राप्त हो सकते हैं, हरि के प्रेम को प्राप्त हो सकते हैं। और काउंटिंग के अनुसार एक माला में 108 मंत्र होते हैं और एक मंत्र में 32 बार भगवान का नाम होता है, 16 नाम होता है। और इस 16 नाम, 108 महामंत्र और ये सब कैलकुलेशन करेंगे, 16 माला में हम जितनी बार भगवान का नाम लेते हैं दिन में उतने ही हम सांस लेते हैं। मतलब 16 माला यदि हम करेंगे तो एक दिन में हम जितने श्वास लेते हैं उस प्रत्येक श्वास के ऊपर भगवान का नाम स्थित हो जाएगा। मतलब हमारे 24 घंटे की प्रत्येक सांस पर हरि के नाम का काउंटिंग हो जाएगा। तो 24 घंटे भगवत नाम को सांसों की माला में जपू है? तो यदि ये करना है तो एटलीस्ट 2 घंटे 16 माला जाप करना चाहिए। कई बार लोगों के मन में होता है, अरे भाई ये माला वाला ठीक है, हम तो शास्त्र पढ़ेंगे, हम तो वेद वेदांत पढ़ेंगे, हम तो भागवत कथाकार बनेंगे। बहुत अच्छी बात है, बनो, प्रचार करो, लेकिन भागवत को समझना है ना। इस भागवत को समझने के लिए महामंत्र की बड़ी आवश्यकता है। हम यहां पर क्या मुझे भी पूरा भागवत समझ में आता होगा? नहीं, मैं तो अभी पापा पगली कर रहा हूं। मैं यहां बोल रहा हूं आपको सब कुछ समझ में आता होगा। अरे समझ में आ भी जाए तो क्या सब जीवन में उतरता होगा? नहीं, हम लोग लगे हुए हैं लेकिन कितना ग्रास्पिंग हो रहा है, कितना जीवन में उतर रहा है, इसमें तो तारतम्य है। तो भागवत, नो डाउट, भागवत अल्टीमेट ग्रंथ है, प्रेम का मार्ग है, लेकिन उस प्रेम मार्ग को, भागवत को समझने के लिए मन बुद्धि इंद्रिया पवित्र होनी जरूरी है, और यह होता है हरि नाम के द्वारा। एक बात याद रखिए, भागवत को समझने की भूमिका है हरि नाम। मैं बहुत प्रसन्न हूं भक्तों, मैं वास्तव में प्रसन्न हूं कि भागवत के प्रारंभ में 2 घंटा हम सब साथ में मिलकर हरि नाम जाप कर रहे हैं। इससे होता क्या है, इसे एक मूड बनता है कि नहीं, अब ऊंची वस्तु दी जा सकती है, अब और आगे बढ़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हरि नाम कर रहे हैं, और हरि नाम के द्वारा वेदों की, शास्त्रों की, भागवत की जटिल से जटिल वस्तु भी समझ में आएगी हरि नाम के द्वारा। अब देखो हरि नाम हो रहा है तो अब प्रेरणा हो रही है कि अब नेक्स्ट कथा जो है ना, सीधे गोपियों की कथा होनी चाहिए। भागवत के 10वें स्कंध में भ्रमर गीत, वेणु गीत, कोई एक गीत लेने की इच्छा, क्योंकि हमारी पारुल माता शार्लोट अब थोड़ा सा आगे आ रहा है। तो ये कब होता है? जब हम साधना करते हैं, हरि नाम लेते हैं, और इससे जब हम प्योर होते हैं तब जाकर इन चीजों को समझ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, ये भागवत भी एक मनोरंजन बन जाएगा। इस भागवत की डेप्थ में यदि हमको जाना है तो हरि नाम की आवश्यकता है। भागवत को समझने के लिए हरि नाम लेना चाहिए। भागवत को आप अच्छे से बोलना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, हरि नाम लेना चाहिए। आप कहोगे प्रमाण, ऐसा कौन प्रमाण है जो हरि नाम का आश्रय लेकर भागवत को समझा, आत्मसात किया और उसका प्रचार किया? अच्छा मैं आपको पूछूं, आपके दिमाग में कौन ऐसा प्रचारक है जो सबसे बड़ा है? सुखदेव से बड़ा तो और कोई नहीं हो सकता ना, सुखदेव के आगे तो हम नहीं जा सकते ना। सुखदेव गोस्वामी जब भागवत बोलते हैं तो समय रुक जाता है। यमराज के कारखाने में ताले लग जाए, वहां लॉकडाउन हो जाता है कि भाई छोड़ो मारना, थोड़ी देर बंद करो, सुन लेते हैं। अब उस सुखदेव गोस्वामी के विषय में सुख पुराण में बहुत सुंदर बात कही गई, श्लोक मैं आपके सामने रखता हूं।
यत् प्रभावं समासाध्य शुको ब्रह्मर्षि सत्तम यत् प्रभावं समासाध्य शुको ब्रह्मर्षि सत्तमः जपस्व तन्महामन्त्रम् जपस्व तन्महामन्त्रम् रामनाम रसायणम् रामनाम रसायणम्। बहुत खोज कर निकाला है भक्तों, बड़ा दुर्लभ है, फोटो ले लीजिएगा। सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहा जा रहा है ब्रह्मर्षि सत्तम। सुखदेव, बड़े बड़े देवता जहां पानी भरते हैं, 16 साल के सुखदेव जब व्यास मंच पर बैठते हैं, हजारों हजारों साल के ऋषि मुनि उनके चरणों में आकर बैठ जाते हैं। सुखदेव जी के विषय में क्या कहूं। तत्र भवान भगवान व्यास पुत्र जब उस भागीरथी के तट पर प्रकट हुए ना, हजारों वर्ष की उम्र वाले ऋषि मुनि की दाढ़ियां लंबी लंबी थी, सुखदेव को देखकर अपनी दाढ़ी से झाड़ू मारने लगे। झाड़ू लेने कहां जाए, सुखदेव का आगमन हो रहा था और स्वागत में झाड़ू कैसे मारे, अपनी दाढ़ियों से झाड़ू मारने लगे, अपनी जटाओं से मार्ग साफ करने लगे। सुखदेव जी आइए, 16 साल का लड़का, लेकिन भागवत अपने गुजराती में कहूं तो कहे भागवत ना भूखा काढ़ी नाखे सुखदेव गोस्वामी एटले। और उस सुखदेव के जिस जिन्होंने 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष दिलवा दिया, परीक्षित गदगद थे कि महाराज बस मैं तो 7 दिन में मरने वाला हूं। सुखदेव कहे कि चिंता मत करो परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन बहुत ज्यादा है। खटवांगो नाम राजर्षि, खटवांग जैसे राजा घड़ी दो घड़ी में भगवत प्राप्ति कर गए, 7 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। मैं कृष्ण कथा सुनाऊंगा, बस तुम अपना मन लगा दो कृष्ण कथा। सुखदेव सुखदेव, तो सुखदेव के बारे में आप सब जानते हैं ना। उस सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहते हैं कि यत् प्रभावम समासाध्य शुको ब्रह्मर्षि सत्तम, जिनके प्रभाव से सुखदेव ब्रह्मर्षि सत्तम ब्रह्मर्षियों में शिरमोर हो गए, मुनिनाम गुणुम गुरुम सभी मुनियों के गुरु हो गए। यत् प्रभावम, जिनके प्रभाव से शुको सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मर्षि सत्तम हो गए, वो प्रभाव किसका है। सुखदेव महाभागवत ब्रह्मर्षि सत्तम हो गए, वो प्रभाव कहां से आया, तो दूसरी लाइन में जपस्व तन महामंत्रम, दैट्स इट। अब इतना भी समझ में आ जाए ना तो बेड़ा पार हो जाए। आंखें ज्यादा फोड़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ो वो पढ़ो, ठीक से महामंत्र का जाप करो, भागवत आदि सब कुछ समझ में आने लगेगा। जिनके प्रभाव से सुखदेव ब्रह्मर्षि सत्तम बने, वो प्रभाव कौन सा है, जपस्व तन महामंत्रम, वो प्रभाव महामंत्र का है जो हम और आप रोज सुबह लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इस महामंत्र का प्रभाव है। ये महामंत्र कैसा है, कहते हैं रसायणम रस आयनम। संतोष जी ने पूछा था ना कि महामंत्र में मन नहीं लगता, अरे महामंत्र को हमने ठीक से जाना ही कहा है। यदि इसकी महिमा समझ में आए, थोड़ा हृदय पवित्र हो जाए, तो ये रस का समुद्र है, ये रस का सागर है। सो इस प्रकार से महामंत्र का जाप करके श्री सुखदेव जी ब्रह्मर्षि बन गए। हम जो माला जाप करते हैं उसमें 108 मोती होते हैं, ठीक है, माला में 108 मोती होते हैं। हमारे वेदों में हमारे शास्त्रों में ये निवेदन किया गया कि ये 108 मोती क्या है, मतलब इसे हमें क्या भावना करनी चाहिए।
पहले तो हमें 108 मोती वाली माला को नीचे नहीं रखनी चाहिए, पांव नहीं छूना चाहिए, और साथ ही साथ क्या भावना करनी चाहिए, ये 108 मोती कौन है? सबसे पहले जो मुख्य मोती होता है वो तो राधा और कृष्ण, हमारे आराध्य परम उपास्य, जो जिसे सुमेरु कहते हैं, मुख्य मोती कहते हैं, वो तो राधा कृष्ण स्वरूप है। और फिर हम बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, बड़े मोती से छोटे मोती की ओर जाएंगे, माला में होते हैं ना बड़े से छोटे, तो मुख्य राधा और कृष्ण के बाद जो नेक्स्ट 8 मोती है वो राधा रानी की 8 सखिया है। मतलब हमारा जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलकर हमारा पहला मोती हाथ में क्या आता है, तुंग विद्या। तुंग विद्या को हम हाथों में घुमाते हैं रोज, ये महामंत्र जब कोई साधारण चीज नहीं है। सबसे पहले मोती, पहले तो राधा कृष्ण को हाथ में लिया, और फिर राधा रानी की प्रथम सखी तुंग विद्या, फिर दूसरी चित्रा, तीसरा मोती चंपक लता, चौथी सखी ललिता, पांचवी विशाखा, इंदुलेखा, फिर रंग देवी, और फिर आठवीं सुदेवी। इस प्रकार से 8 मोती हो गई। 108 मोती में 1 से 8 मोती राधा रानी की अष्ट सखिया है। फिर उस 9वे मोती से लेकर 72 मोती तक, माने 8 के बाद जो नेक्स्ट 64 मोती है, मतलब 9 से लेकर 72 तक, वे एक एक गोपियों की 8-8 सखी है। जैसे तुंग विद्या की 8 सखी, जैसे चित्रा की 8, वैसे 8 का सेट है। तो इस प्रकार 64 उसमें चला गया, 8 8 64, यस। तो 1 से 8 अष्ट सखिया, फिर 9 मोती से लेकर 72 मोती तक उस अष्ट सखी की, एक एक सखी की 8-8 गोपी है, उसके भी नाम है फिर कभी विस्तार से। तो 72 तक पहुंचे। अब 73 से लेकर 104 तक 32 मोती जो है वो भगवान श्री कृष्ण के 32 सखा है, जिसको कृष्ण के नित्य सखा कहते हैं, श्रीदाम सुदाम आदि 32 सखा। तो 73 से लेकर 104 तक। अब बचे कितने, 4। 105वां जो मोती है वो और कोई नहीं, वो है गोपेश्वर महादेव, जिस महादेव की हम कथा सुन रहे हैं। 105 नंबर के मोती वो गोपेश्वर महादेव शिव जी है, 106 नंबर के मोती वो पूर्णमासी देवी है, 107 नंबर वृंदा देवी, और 108 नंबर वरुत्थिनी देवी जो श्रीमती राधा रानी की सखी है। इस प्रकार 108 मोतियों वाली ये माला है, जिसमें 105 नंबर के मोती में देवाधिदेव महादेव बैठा है। कुछ लोग कहते हैं ये इस्कोन वाले शिव जी की पूजा नहीं करते। अरे तुम जानते ही कहां हो, हम रोज शिव जी की पूजा करते हैं, हम रोज शिव जी की परिक्रमा करते हैं भक्तों। इसलिए मैं कहता हूं, हम भले हमारे पास समय बोलने के लायक कभी स्मरण में नहीं होता, लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, ये कंप्लीट प्रोसेस है, इसमें सब कुछ है, हमारे भजन में, भक्ति साधन में सब कुछ है, बस समय की देरी है, धीरे धीरे समझना है। जैसे आज हमने समझा कि इस 108 मोती में ये सब, उसमें मेनली 105वां जो मोती है वो शिव जी है, महादेव वो है गोपेश्वर महादेव। तो ऐसे महादेव की महाशिवरात्रि निकट आ रही है, और हम लोग इस 12 ज्योतिर्लिंग की कथा के माध्यम से हम शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल अभिषेक कर रहे हैं। ऐसे शिव जी का अभिषेक कथा के द्वारा भी हो सकता है जो हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ शिव जी का अभिषेक अनेक द्रव्यों के द्वारा भी होता है, उसकी भी बड़ी महिमा है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, शिवलिंग पर दही अर्पित करने से हमें जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है, शिवलिंग के ऊपर शहद हनी मध चढ़ाने से हमें सौंदर्य प्राप्त होता है, और हमारी वाणी जो कौवे की तरह हो चुकी है ना, कां कां कां, वो मीठी हो जाती है यदि शिव जी के ऊपर हनी चढ़ाया जाए, और वाणी मीठी हो गई तो समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। शिवलिंग के ऊपर घी चढ़ाने से
हमें तेज की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अत्तर चढ़ाने से धर्म की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है और जीवन में कभी भौतिक सुख की कमी नहीं रहती। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से समाज में मान और सम्मान पूर्ण रूप से बना रहता है। थोड़ा महंगा है, लेकिन शिवजी पर केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में बड़ा सुख रहता है, विवाहित जीवन में प्रेम बना रहता है यदि शिवजी पर हम केसर चढ़ाया जाए। शिवलिंग पर आंवला अथवा आंवले का रस चढ़ाने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर, अब महाशिवरात्रि आ रही है, मैं आपको पूरी इंडेक्स दे रहा हूं, कुछ कीजिएगा। और शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से समस्त परिवार सुख और समृद्धि से युक्त हो जाते हैं, परिवार में प्रेम बना रहता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है और योग्य संतान की प्राप्ति होती है, और संतान जो है ना वो आज्ञाकारी बन जाते हैं यदि हम उन पर गेहूं चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से धन और सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से समस्त पाप और समस्त रोगों का नाश हो जाता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से हमारे जीवन में जितने भी संकट हैं सारे संकट दूर हो जाते हैं। और हमारी महामंत्र की ये जो माला है उसमें 105वां जो मोती है, उस महामंत्र का जाप करने से, ये मैंने आपको जितनी भी वस्तु बताई है ये सारी वस्तु केवल महामंत्र का जाप करने से प्राप्त हो जाती है। तो हो जाए 10 मिनट के लिए, आइए बड़े भाव से प्रेम से खड़े होकर नाचते हुए राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावनवा राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नात है, सो तेरो वाधीन सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज
यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी स्वान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वररूपी यमाश्रितो हि वत्रोपी चंद्र सर्व वंद्यते शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र बाल गंग की तरंग बाल विमल जाल राचे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की कोर बार कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकुट युगल साजे मुंडन की कंठ माल विकसित लरु के प्रसाल फटिक जाल रुद्र माल नर कृपाल राचे आ डम 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 रूपाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज त्रांडव नाचे बोले महाराज आज त्रांडव नाचे बावजे दिलांग 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 तदिकट तदिकट दिलांग बाजत मर्दंग मधुर विष्णु कमर बांधे आ नारायण 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 कर वीणा धर नारद सारद य राधे किन्नर गंधर्व सर्व चारण अपसर सगर्व धर्म अर्थ काम मोक्ष सोपरोक्ष याचे आ डम 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 रुबाज नाद वे
वेद सर सुसाज शंकर महाराज आज त्रांडव नाचे बोले महाराज आज त्रांडव नाचे हो महादेव बलकत है चंद्रवाल जलकत है नैन जवाल ढलकत है गल विशाल मुंडन माला धर्म भक्त प्रणत पाल नाम रटत सो निहाल काटत है पंत काल दीन दयाला शोभे योगी स्वरूप सत बरखा सीत धूप भस्म धूट ती अनूप लेपन धारी आ सुंदर मूर्ति समरात हरदम जुग जोगी आत भजहु मन भीमनाथ शंकर भारी ए भजहु नाथ भीमनाथ शंकर भारी ए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे हो राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हो राधे प्रभुपाद
राजा जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय भगवान ब्रजेश तनय तदधाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रज बधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमल्तो महान श्रीचैतन महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाबात पीतांबर दरुण बिंब फल दरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व अहम न जाने करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत 12 ज्योतिर्लिंग परम वैष्णव ऐसे भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय इस सृष्टि रचना में प्रलय करने वाले गोपियों के ईश्वर श्री गोपेश्वर महादेव कहे जाने वाले जो सदैव भाव प्रेम और भक्ति के रस से सराबोर रहते हैं ऐसे देवाधिदेव महादेव श्री शिव शंकर जी की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में यथा मति 3 ज्योतिर्लिंग अवतार की कथा हम सब ने श्रवण की। आज चतुर्थ दिवस में शिव जी के चतुर्थ अवतार जो ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में हुए हैं उसका ऐलान करते हुए श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, ओंकार परमेशानो धृत शंभो परात्मनः अवतार चतुर्थो ही भक्ताभीष्ट फल प्रदः। ओंकार परमेशानो ओंकार और परमेश जिनके 2 नाम है ओंकार और परमेश नाम से धृत शंभो परात्मनः परात्मन शंभो शिव जी ने धारण किया यह अवतार। कौन सा अवतार? ओंकारेश्वर महादेव और परमेश महादेव ये दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग में गिना जाता है। फिजिकली दोनों अलग हैं एक ही स्थान पर हैं कथा में हम सुनेंगे लेकिन ओंकार और परमेश ये 2 नाम से शिव जी का चतुर्थ ज्योतिर्लिंग रूपी अवतार कहते हैं। अवतार चतुर्थो ही ये चतुर्थ अवतार हुआ किस लिए? भक्त भीष्ट फलह प्रदह अपने भक्त के अभीष्ट माने मन चाहे
फल प्रद, फल को प्रदान करने के लिए, अपने भक्त के मन चाहे फल, मन चाहे वरदान को देने के लिए शिव जी का ओंकार और परमेश नाम से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग का अवतार हुआ। इसके विषय में कहते हैं, विधिना स्थापितो भक्तिया स्वलिंगात पार्थिवात मुने, विधि पूर्वक भक्तिया भक्ति के द्वारा, मतलब भक्तिमय हृदय से और विधि पूर्वक स्वलिंग पार्थिवात मुने, हे मुने इस लिंग का की स्थापना की गई। प्रादुर्भूत महादेवो विंध काम पूरक, यह शिवलिंग प्रादुर्भूत प्रकट हुए क्यों, जैसे हम कहते आए हैं वैसे तो सबके लिए हैं, लेकिन प्रकट करने का मूल कारण कौन बन गया, विंध्य कामक पूरक, प्रकट करने का मूल कारण हो गया विंध्याचल पर्वत। अब जब विंध्याचल पर्वत आता है तो राधा रानी तो सामने आ ही जाएगी। श्रीमती राधा रानी के पिता श्री वृषभानु बाबा और माता कीर्तिदा, और वृषभानु बाबा और कीर्तिदा देवी को श्रीमती राधा रानी की प्राप्ति कहाँ से हुई, रावल में यमुना से। यमुना में बहुत सुंदर तेजस्वी सोने के समान चमचम चमचम चमकता हुआ वह कमल बहते हुए आ रहा था, और उस कमल से कीर्तिदा माता को श्रीमती राधा रानी की प्राप्ति। और जैसे ही उनको हाथों में लिया, उनके स्तनों से दूध चूने लगा, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और समझ में आ गया कि ये स्वयं कीर्तिदा देवी के लिए ही कन्या का जन्म हुआ। लेकिन उस यमुना में श्रीमती राधा रानी बहते हुए आ रही थी, उनका प्रथम जन्म विंध्याचल पर्वत के वहां हुआ था। ये उसी विंध्याचल की बात हो रही है, विंध्याचल। अब विंध्याचल भी, ये विंध्याचल को थोड़ा सा है, विंध्याचल के भाई है हिमालय, ये पर्वत भी भाई बहन सब होता है वहां पर भी। हिमाचल और विंध्याचल दोनों सगे भाई है। जब शिव जी का विवाह हिमाचल की कन्या पार्वती के साथ हुआ तो हिमाचल के भाई विंध्याचल थोड़े से कंपटीशन में उतर गए, बोले मेरे भाई का दामाद देवाधिदेव महादेव, बड़े बड़े देवता उनके चरणों में झुकते हैं, होते ना, भले सगा भाई भी क्यों ना हो, थोड़ा बहुत तो कंपटीशन का भाव जीव है, होता ही है। तो विंध्याचल के मन में हुआ कि मेरे भाई को इतना बड़ा दामाद मिला, मुझे उससे भी बड़ा दामाद होना चाहिए। समाज में लोग जब बैठे तो कहे कि नहीं, विंध्याचल ने खोजा है, विंध्याचल ने बहुत बड़ी तपस्या की और तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और वरदान मांगने को कहा तो कहे कि मुझे मेरे भाई हिमालय से भी बड़ा दामाद चाहिए। अब हिमाचल के दामाद से बड़ा दामाद, मतलब शिव जी से बड़ा तो अब एक ही बचता है और वो है कृष्ण। तो मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि तेरा दामाद कृष्ण बनेगा तो तेरी ये वरदान, ये इच्छा पूर्ण होगी। बोले ठीक है, तुम्हारे घर पर एक ऐसी कन्या का जन्म होगा जिसका विवाह कृष्ण के साथ होगा, और जो कृष्ण हिमालय के जो दामाद हैं शिव जी उनसे भी बड़े, वो भी उनकी पूजा करते हैं। और फिर आगे चलकर आप सब जानते हैं, विंध्याचल के वहाँ नौ कन्या का जन्म हुआ और कंस ने पूतना को भेजा था और पूतना वह नौ कन्या को आकाश में लेकर उड़ी और यहाँ विंध्याचल यज्ञ करने लगे। यज्ञ के प्रभाव से पूतना की शक्ति क्षीण होते गई, एक एक कन्या गिरती गई। वहाँ ब्रज में अलग अलग गाँव में थोड़े थोड़े अंतर पर ये आठों कन्या गिरी और ये नौवीं कन्या श्रीमती राधा रानी यमुना में गिरी, और फिर यमुना में बहते हुए कीर्तिदा और वृषभानु बाबा को राधा रानी की प्राप्ति हुई। कुल मिलाकर ये उस विंध्याचल की बात हो रही है। महादेव के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग को प्रकटाने वाले कौन थे, विंध्याचल, जिसका यहां जिक्र हो रहा है।
सो प्रादुर्भूतो महादेव, महादेव प्रादुर्भूत हुए किसके लिए? विंध्य काम पूरक, विंध्याचल की इच्छा को पूर्ण करने के लिए महादेव का ये ओंकारेश्वर चतुर्थ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। और महादेव प्रकट हुए, विंध्याचल की कामना पूर्ण किए, और जब वो जा रहे थे तो क्या हुआ? देवे सम प्रार्थितस तत्र, देवता नीचे उतरे और देवताओं ने महादेव को रोका कि अब आप आ ही गए हो तो वापस मत जाइए। यत्र द्विधा रूपेण संस्थित, प्रभु आप यहीं पर स्थित हो जाइए। और यहां स्थित होकर भुक्ति मुक्ति प्रदो लिंगो रूपे वे भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल भगवान आप यहां रहकर लोगों को भुक्ति मुक्ति ये सारे फल प्रदान करो, आप मत जाओ। देवताओं ने प्रार्थना की और देवताओं की प्रार्थना से शिव जी रुक गए और कहते हैं प्रणवेश चैव ओंकार नामासित लिंग उत्तम। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग है और उन 12 ज्योतिर्लिंग के जो 12 नाम है उन 12 नामों में सबसे उत्तम नाम इस ज्योतिर्लिंग का है ओंकारेश्वर। सूत जी कहते हैं क्यों? क्योंकि प्रणव, प्रणव में ओंकार नाम वाला ये जो शिवलिंग है उत्तमम। प्रणवश्चैव ओंकार नामासित लिंग उत्तमम। सो प्रणव में ये ओंकार उत्तम है, इसलिए उत्तम इस ओंकार नाम वाला जो शिवलिंग है इसलिए उनको उत्तम माना जाता है। और साथ ही साथ दूसरी लाइन में परमेश्वर नामासित पार्थिवश्च मुनीश्वरः। आपकी जानकारी के लिए ये ओंकारेश्वर महादेव जो है ना, ये तो पूरा पर्वत ही है जहां पर महादेव प्रकट हुए, पूरे पर्वत को ही ओंकारेश्वर कहते हैं, पूरे पूरा पर्वत ही लिंग के आकार का है। और फिर उस पूरे पर्वत की भी परिक्रमा होती है आपकी जानकारी के लिए, पूरे पर्वत की। लेकिन उस पर्वत में एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना हुई, उसका नाम हुआ परमेश्वर, जो आप नीचे देख सकते हैं परमेश। सो परमेश्वर नामासित पार्थिवश्च मुनीश्वर। तो यहां दो चीज है, मतलब आपको समझना होगा, शिवजी जिस पर्वत पर प्रकट हुए वो पूरा पर्वत ही ओंकारेश्वर महादेव है, और फिर उस पर्वत में एक शिवलिंग है पार्थिव शिवलिंग, उसे परमेश्वर महादेव कहते हैं। तो इस प्रकार से चतुर ज्योतिर्लिंग में ये दो बातें। और फिर अंत में कहते हैं भक्त्याभीष्ट प्रदो ज्ञेयो योपि दृष्टोर्चितो मुने। भक्त के अभीष्ट को पूर्ण करने वाले श्री महादेव ओंकारेश्वर महादेव को यदि कोई दृष्टो, कोई देखता है, और अर्चितो, यदि कोई ओंकारेश्वर महादेव की अर्चना करता है, तो ज्योतिर्लिंगे महादिव्ये वर्णिते ते महामुने। और इस ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन करता है उसके उस भक्त की सारी अभीष्ट, सारी कामना पूर्ण हो जाती है। अपने भक्तों को मन चाही सारी वस्तु प्रदान करते हैं श्री ओंकारेश्वर महादेव। सो इस प्रकार सूत जी ने चंद श्लोकों में ओंकारेश्वर महादेव का परिचय दिया। अब अनेक श्लोकों में कथा है, यथा समय हम इस कथा को श्रवण करें। लेकिन किस प्रकार से, किस सिचुएशन में महादेव धरती पर आए और फिर यहीं पर रुक गए और नाम हुआ ओंकारेश्वर महादेव और परमेश महादेव। ये कथा प्रारंभ होती है श्री नारद मुनि से। इस कथा में नारद मुनि का बहुत बड़ा रोल है। नारद जी को तो आप बहुत बड़ी विभूति, नारद नारद है, और हमें तो प्रसन्नता इस बात की है कि हम उस परंपरा से हैं जिस परंपरा की तीसरी पीढ़ी में नारद है, कृष्ण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से नारद, बिल्कुल कृष्ण ब्रह्मा और नारद, और फिर वहां से व्यास मध्व और इत्यादि परम शिल प्रभुपाद तक पहुंचती हैं। ये जो हम लोग प्रतिदिन नाम जप कर रहे हैं ना और भगवान के गुणगान, इसके फाउंडर आचार्य हमारे स्टैंडर्ड जो है वो श्री नारद मुनि है। नारद मुनि के विषय में ठाकुर भक्ति विनोद ने बहुत सुंदर कहा, आस्वादन करते हैं।
नारद मुनि बाजाय वीणा राधिका रमण ना मैं नाम यमनी उदित हय भक्त गीत सा मैं। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं नारद मुनि बाजाय वीणा राधिका रमण ना मैं। नारद जी अपने हाथों में वीणा रखते हैं, आपकी जानकारी के लिए वो वीणा जो है ना स्वयं भगवान ने दे रखी है, स्वयं भगवान ने नारद मुनि को वीणा प्रदान की है और अपने हाथों में वीणा लेकर राधिका रमण नामे राधा कृष्ण का नाम गाते हुए वे विचरण करते हैं। नाम यमनी उदित हय भक्त गीत सामे, नारद मुनि बहुत सुंदर दूसरी लाइन में कहते हैं कि नाम यमनी, नारद मुनि जब भगवान का नाम गाते हैं तब भगवान नारद जी के सामने प्रकट होकर नाचने लगते हैं। कैसे? बोले बहुत इनविटेशन देकर किसी बड़े आदमी को घर पर नहीं बुलाते हैं, वैसे बुलाए की तरह जब नाम लिया जाता है तो बिना बुलाए ही भगवान आते हैं और नारद जी के सामने नाचने लगते हैं। अमीय धारा वरिष धन श्रवण युगले गिया, नारद मुनि जब कीर्तन करते हैं ना तो अमीय माने अमृत की धारा बहती है और अमृत की धारा मानो वरिष धन, मानो यही है वास्तविक धन, हरि नाम के मोती, हरि नाम रूपी धन। श्रवण युगले गिया और भक्त जन साधन नाचे भरिया आपन हिया, और भक्तों के साथ हृदय भर कर भाव से वे नाचते हैं। माधुरीपुर माधव पाशी, माधुरीपुर में आसव पाशी, सॉरी आसव, ऐसे दुनिया के लोग आसव माने शराब लेकिन यहां आसव माने नशा। बोले नाम रूपी नशा श्री नारद मुनि स्वयं करते हैं और सुनने वाले को कराते हैं और स्वयं और सुनने वाले माताय जगत जने सबको मतवाले कर देते हैं। इसीलिए तो मैं गलत कहता हूं सभी मस्त है यहाँ किसको संभाले, सभी मस्त है यहाँ किसको संभाले, जिन्हें देखते लड़खड़ाने लगा है, जिन्हें देखते लड़खड़ाने लगा है। मने कोई भजन बनावनु के तो आवाज बनाऊ ऐसे ही भजन में बनाऊ मने कोई कह नहीं ना, तो यहां तो सभी मस्त। वो यही बात यहां पर आ रही है कि माधुरीपुर माने अमृत चर्चा में आसव पाशी इस अमृत को पीकर नाम अमृत को लेकर माताय जगत जने पूरा जगत मतवाला हो रहा है। और जब आदमी मतवाला हो जाता तो क्या करता है? अब शिवरात्रि आ रही है, आप लोग मत पिएगा लेकिन दुनिया के लोग भांग पीते हैं और भांग की एक विशेषता जानते हो? मैंने तो देखी है भांग जो घोल कर जो थोड़ा भांग पीते ना, भांग जो ज्यादा पी लेता है और वो जो पी लेता है और लास्ट में उसकी जो क्रिया है ना वही वो करते रहता है। ये रियल बात है, मतलब भांग पी ली और चढ़ गई है और वो पीते पीते वो हंस रहा है तो वो 4-5 घंटे तक वो हंसते ही रहेगा। ये नशा कुछ ऐसा है, वो रो रहा है तो बिना कारण 4-5 घंटे तक वो रोता रहेगा, गाली दे रहा है तो 4-5 घंटे तक। ये भांग का आप लोग कीजिएगा मत, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसा होता है। लेकिन नाम का नशा कैसा होता है? लास्ट लाइन में कहते हैं केवा कांदे, हरि नाम का नशा जिसे हो गया तो कुछ लोग रोते हैं, केवा नाचे कुछ लोग नाचते हैं और केह माते मने मने और कुछ लोग मन मन में आनंद लेते हैं। लेकिन नाम का नशा बड़े बड़े लोगों को है। किसको? पंच बदना 5 मुख वाले शिव जी को नाम का नशा। शिव को पता चला
कि नारद हरि नाम गा रहा है, शिव जी नारद जी के पास आए तो पंचवदन नारदे धरी, नारद को पकड़ लिया और प्रेमेर सधन रोल, और नारद को पकड़कर ऐसे गोल गोल फदुड़ी फरवा मंडिया। फदुड़ी कहते समझते हैं, शिव जी ने नारद धरी, नारद को पकड़कर ऐसे प्रेमेर सदन रोल, ऐसे रोल में गोल 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 घूमने लगे। और जब कीर्तन हो रहा था, नारद मुनि जब नाम गा रहे थे तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी का आसन कौन सा है? दूसरी लाइन में कमलासन, कमल के ऊपर आसन में बैठते हैं। अब शिव जी तो नारद जी के साथ नाच रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के नाचने की बात नहीं आई। ब्रह्मा जी क्या बोले, बैठे बैठे हरी बोल हरी बोल। कुछ लोग यहां भी होते ना शिव, कुछ लोग शिव जी की तरह नाचते हैं और कुछ लोग बैठे बैठे, तो ब्रह्मा जी बैठे थे। इससे मुझे इतना, ये मेरा साइंस है, इससे मुझे इतना पता चलता है ब्रह्मा जी जो है ना मैनेजमेंट वाले आदमी है। भगवान ने ब्रह्मा को मैनेजमेंट सौंपा है ना, पूरा दुनिया का मैनेजमेंट करो। तो मुझे ऐसा लगता है मैनेजमेंट वाले ज्यादा नाच नहीं सकते हैं, बाहर बेचारों को इतना होता है, जिम्मेवारी इतनी होती है। अब ब्रह्मा के चार चार मस्तक हैं, बेचारा नाचेगा भी तो माथा कैसे हिलाएगा। तो मैनेजमेंट वालों के चार माथे होते हैं, वो सब जगह पर उनका ध्यान रखना होता है। तो वो बेचारे वो केवल अपने आसन पर बैठकर हरि बोल, लेकिन जिसको मैनेजमेंट नहीं, जो मतलब दास बनकर लगा है सेवा में, वो तो धोती कस कर नाचने लगता है। तो ब्रह्मा जी हरि बोल सहस्त्र आनन, ये आवाज जो है ना पाताल में गई। नारद जी जब कीर्तन कर रहे थे, ये आवाज पाताल में गई और शेष नाग के कान में, और शेष नाग तैयार हुए, चलो हम भी चलेंगे नाचने के लिए। कृष्ण ने कहा तू रुक, तू यदि नाचने लगा तो ये ब्रह्मांड डोलने लगेगा, सब लोग गड़बड़ा जाएंगे। तो सहस्त्र आनन परम सुखे, वो तो अंदर ही अंदर फिर हरि बोल गाए। सहस्त्र आनन पंच सुखे हरि हरि बलि गाए, नाम प्रभावे मातिल विश्व नाम रस सबे पाए। पूरे विश्व को आनंद आनंद कर दिया श्री नारद मुनि ने कीर्तन करते हुए। सो इस प्रकार से श्री नारद मुनि अपने हाथों में वीणा लेकर कीर्तन करते हैं। अब जब कीर्तन की बात आई ना, तो एक बार क्या हुआ, नारद जी तो विचरण करते हैं, ऐसे कीर्तन करते करते विचरण कर रहे थे, और एक पर्वत से दूसरे पर्वत, दूसरे पर्वत से तीसरे पर्वत, जिस पर्वत पर हनुमान जी रहते हैं, अंजनी माता केसरी, केसरी और अंजनी, उस समय हनुमान जी बहुत छोटे थे, और नारद जी वहां से जा रहे थे और भाव में कीर्तन कर रहे थे। अब इसमें से जो वृंदावन गया है ना, वही इस बात को समझ सकता है। आप कभी वृंदावन गए हो और आप भाव में, आपके हाथ में कोई वस्तु है या चश्मा पहना है, हाथ में मोबाइल है, और आप अपने भाव में कीर्तन करते करते जाओ, तो वो बंदर ऊपर से ऐसा आते हैं झपट मार के आपके हाथों में से जो भी वो लेकर चले जाते हैं। ऐसा ही हुआ, आप सब जानते हैं, हनुमान जी जब छोटे थे तो बड़े शरारती थे, बड़े चंचल थे। एक बार नारद जी वहाँ से जा रहे थे और हनुमान जी बिल्कुल छोटे से बाल हनुमान, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और पेड़ पर बैठे थे और नारद जी भाव में थे ऐसे वीणा हाथ में लेकर। हनुमान जी ये गए और नारद जी की वीणा को उठा लिया, और जैसे नारद जी की वीणा को लेकर भागे, नारद जी हनुमान जी के पीछे पीछे, बाल हनुमान छोटे से। अब तो क्या था, अब तो वानर की जात तो आप जानते हैं, कभी इस पर्वत से कभी उस पर्वत पर, ये पहाड़ वो पहाड़, नारद जी पसीने से लथपथ। अरे मेरी वीणा दे, मेरे पास कुल मिलाकर घूम फिर के एक वीणा ही तो है जिससे मैं मेरा घर काम चलाता हूं। बहुत दौड़ाया, दौड़ते 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 हनुमान जी फिर से अपना जो घर था, हनुमान जी की गुफा 100 योजन अंदर है, केसरी ऐसा वर्णन है, अब गुफा में लेकर चले गए नारद जी अंदर। और नारद जी हाँफ रहे हैं, हनुमान जी हंस रहे हैं, और अंदर से अंजनी मैया आई, हनुमंत क्या हुआ? तब नारद जी को पता चलेगा ये इसकी माँ है। बोले क्या हुआ, क्या ये आपके लड़के ने मेरी वीणा ले ली और मुझे इतना भगाया, इतना दौड़ाया, परेशान कर दिया। अंजनी मैया ने कहा बेटा तू इतनी शरारत करता है, साधु बाबा के वीणा इस चुरा लेता है, ले लेता है,
चलो वापस दो, माफी मांगो। जब अंजनी मैया डांटने लगी तो छोटे से हनुमान जी कहते हैं, बोले माँ तुम ही तो कहती हो सत्संग करो, तुम ही तो कहती हो साधु संतों को घर पर लाओ, साधु संतों के साथ कीर्तन करो, वैसे हमारे घर पर कौन आएगा। तो मैंने सोचा जैसे तैसे वीणा चुरा कर भी संतों को घर पर लाना ठीक है। तो मैं तो माँ आपकी आज्ञा का पालन किया, साधु को घर पर लेकर आया और मैं इनके साथ कीर्तन कर रहा था। माँ ने कहा ठीक है चलो वीणा दे दो वापस। हनुमान जी ने वीणा दी, नारद जी पूर्ण टेंशन में, कहीं तोड़ तो नहीं दी, क्योंकि आप ब्रज में देखे होंगे किसी का चश्मा किसी का मोबाइल जो गया है जब वापस आता है तो परफेक्ट नहीं आता, कुछ ना कुछ तो वो गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन नारद जी ने जब वीणा को देखा, तार बार सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई डैमेज नहीं हुआ है, नारद जी कुछ। लेकिन अंजनी मैया ने कहा कि मुनिवर आप घर पर आए ही हो तो अब प्रसाद लेकर जाना होगा आपको। नहीं नहीं माते मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है। नहीं आपको प्रसाद लेकर ही जाना होगा, मेरे पास समय नहीं है। तो बोले एक काम कर दो, एक कीर्तन सुना दो। अब बस इतना कहना था कीर्तन सुना दो नारद जी को, यही तो चाहिए था। लेकिन नारद जी ने सोचा कीर्तन करता हूं तो कहीं ये वीणा गिर बिर न जाए, इसलिए नारद जी ने क्या किया, अपनी वीणा को भूमि पर थोड़े से कॉर्नर में आराम से रख दिया। और फिर अब तो नारद जी और हनुमान जी दोनों कीर्तन करने लगे। ऐसा वर्णन है, ऐसा कीर्तन हुआ, ऐसा कीर्तन हुआ कि ये पूरा ब्रह्मांड, अभी आपने भजन में देखा ना, जड़ चैतन्य हो गया और चेतन वस्तु जड़ हो गई। खलखल खलखल बहने वाला पानी पत्थर के समान हो गया और पत्थर जो थे वो पानी की तरह पिघलने लगे। कीर्तन के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को उजागर कर दिया। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब क्या हुआ, जिस पत्थर पर वीणा रखी थी वो पत्थर पिघल गया कीर्तन करने से, तो वीणा जो थी वो पत्थर के अंदर चिपक गई। अब नारद जी वीणा को ऐसे उठाने जा रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि कीर्तन के कारण पत्थर पिघल गया था और वो वीणा अंदर घुस गई, तो अब निकाल में। नारद जी ने कहा कि मैंने आज किसका मुंह देख लिया, सुबह ये वानर ने दौड़वाया पूरा आधा दिन और अब कीर्तन किया तो वीणा चिपक गई, अब क्या करे है? परेशान नारद परेशान। हनुमान जी ने कहा कि ये तो बुद्धि के निदान है। बोले महाराज आपको गलत न लगे तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तेरे पास है? बोले हाँ। बोले देखो ये वीणा आपकी पत्थर के ऊपर मतलब घुस गई चिपक गई क्योंकि आपने ऐसा सदाबहार कीर्तन किया और कीर्तन के प्रभाव से पत्थर पिघला और चिपक गई। तो महाराज एक काम करो, दूसरी बार कीर्तन करो, अब दूसरी बार कीर्तन करो और कीर्तन करते हुए जब फिर से पत्थर पिघलेगा मैं उखाड़ लूंगा। बात भी सही है छोटे से हनुमान जी। बोले अब जब कीर्तन करोगे सब ढीला पड़ जाएगा, सब कुछ पिघलेगा तो मैं उखाड़ लूंगा और फिर आपको दे दूंगा। नारद जी ने कहा ध्यान से उखाड़ना भाई, कहीं टूट फूट ना जाए, मुश्किल से वीणा मिली है। नारद जी फिर से नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण। नारद जी ने कीर्तन किया और फिर से पृथ्वी पिघली और उन्होंने निकाल दिया, नारद जी को प्रदान किया। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है, नारद जी जहां जाते हैं जब भी जाते हैं निरंतर कीर्तन करते हुए जाते हैं। ऐसे नारद मुनि कीर्तन करते 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 विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे हैं। विंध्यगिरी पर्वत पर नारद मुनि पहुंचे और नारद जी को देखकर विंध्याचल सामने खड़े हैं। अब विंध्याचल को देखकर नारद मुनि ने अपना मुंह बिगाड़ा। विंध्याचल ने कहा महाराज क्यों, क्या हुआ, आप हमसे नाराज है? नारद जी ने कहा नाराजगी इस बात की है विंध्याचल, मैं एक साधु तेरे द्वार पर आया, मुझे प्रणाम की कोई आशा नहीं है, लेकिन मैंने सुना था कि विंध्याचल बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारे अंदर तो विवेक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब किसी साधु संत को देखते हैं तो उनको झुककर प्रणाम करना चाहिए। कितना भी बड़ा कोई आदमी होता है उसके बड़प्पन की महिमा क्या है, किसी भी आदमी की बड़ाई का मीटर क्या है, जो आदमी जितना भी बड़ा होगा वो उतना झुकेगा। विंध्याचल तुम अपने आप को बड़ा मानते हो, यदि तुम बड़े हो तो तुम्हें झुकना चाहिए, तुम्हें प्रणाम करना चाहिए।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम में एक बहुत सुंदर बात, एक शब्द कहा, त्रिनाद अपि सुनीचे न। हम प्रत्येक वैष्णव, प्रत्येक हरि भक्त को तृण से भी अधिक निम्न बनना चाहिए। त्रिनाद अपि सुनीच, तृण से भी अधिक नीच होना चाहिए। और उस पर भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर अपनी टीका में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अस्तु तस्य जड़ वस्तुत्वम तथापि तृणस्य वस्तु अभिमानम न न्याय विरुद्धम। एक बार तृण को यदि अभिमान आ जाए ना, एक बार तृण को यदि अभिमान आ जाए तो वो न्याय से विरुद्ध नहीं है, वो स्वाभाविक है। तृण को एक बार अभिमान हो जाए क्योंकि वो जड़ है और उस जड़ वस्तु को अभिमान होना स्वाभाविक है। किंतु विकृत रूपस्व ममात्र, किंतु हम जैसे जीवों को, खास करके मनुष्य और मनुष्य में किसी वैष्णव को अभिमान आ जाए ये स्वाभाविक नहीं है। यदि किसी भक्त को अभिमान आता है तो वह तृण से भी, वो घास से भी गया गुजरा है। सबसे तुच्छ तृण माना जाता है ना, लेकिन जो अभिमानी है वो भले संसार में, समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा हो, लेकिन वो विनम्र नहीं है, वो हम्बल नहीं है, तो वो तृण से, घास से भी गया गुजरा है। यह बात भक्ति सिद्धांत महाराज ने कही। तो विंध्याचल पर्वत कहने लगा कि भाई मुझ में कौन सी कमी है, मुझ में ऐसी क्या कमी है। बोले तुम्हारी सबसे बड़ी कमी, नारद जी कहते हैं, तुम्हारा अहंकार है। बोले अहंकार, विंध्याचल डिबेट करने लगा, नारद जी से फाइट करने लगा कि मैं क्यों झुकूं, मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं क्यों झुकूं, और मैं सबसे बड़ा हूं तो मैं क्यों झुकूं, बड़ा आदमी क्यों झुके। तब नारद जी कहता है, विंध्याचल तेरा भ्रम है, तू सबसे बड़ा नहीं है, तेरे से भी बड़ा सुमेरु पर्वत है। अच्छा, मेरे से भी बड़ा सुमेरु पर्वत? बोले क्यों? सुमेरु पर्वत इसलिए बड़ा है क्योंकि सुमेरु पर्वत में नम्रता है, विनम्रता है। महान वही है जो झुकता है, महान वही है जो झुकता है, क्योंकि अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। जो मुर्दे होते हैं ना, जो मर जाते हैं, वो झुकते नहीं हैं, वो बिल्कुल ऐसे अकड़ जाते हैं, वो जड़ हो जाते हैं। लेकिन जो जिंदा है, और जिंदा में भी जिनमें विवेक है, जो महान है, वो झुकता है। इसलिए तो नारद जी के साथ चर्चा हुई, विंध्याचल ने कहा तो फिर मुझे ऊंचा बनना है, मुझे सबसे ऊंचा, सबसे महान बनना है तो मुझे क्या करना होगा। नारद जी ने कहा दो चीज, सबसे पहले है विनम्रता, सबसे पहले है नम्रता। जब तक तुम्हारे जीवन में नम्रता नहीं होगी तुम ऊंचे, तुम महान नहीं हो सकते। और दूसरा है भक्ति, दूसरी है भक्ति, क्योंकि नम्रता बिना भक्ति के नहीं आ सकती है। इन्होंने दृष्टांत दिया, रावण के पास कम कमी थी विंध्याचल, रावण कम महान था, कितनी बड़ी लंका, कितना बड़ा ऐश्वर्य, देवता देवी उनके आंखों के इशारों से कांपते थे, लेकिन आज भी रावण के पुतले को जलाया जाता है। राम जी ने रावण को मार दिया, लेकिन फिर भी आज भी उस रावण के पुतले को जलाते हैं। वो कम महान था, उसके पास कम संपत्ति थी। याद रहे विंध्याचल, संपत्ति से कोई महान नहीं होता, अपना घर बार बहुत बड़ा बना लेने से, सजा लेने से कोई महान नहीं होता। रावण के पास ये सब कुछ था, फिर भी आज रावण को जलाते हैं। किसी भी व्यक्ति की महानता उनकी नम्रता से होती है और उनकी भक्ति से होती है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर कहा, कलयुग में कलो शूद्र संभव। यदि हम थोड़ा सा विचार करें ना कि इस दुनिया में सब लोग कौन महान कौन है, बिजनेस करने वाले नृत्यांगना की तरह राह देखते रहते हैं, कौन आए, किसको माल बेचे, किसको बेचे, वो भी किसी ना किसी
मतलब कहीं ना कहीं झुकना है, जॉब करने वाले को झुकना है, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं झुकना। महान कौन? महान वो है जो अपने लिए कार्य नहीं करता, जो दूसरों के लिए कार्य करता है, जो दूसरों के लिए जीता है, जिसके हाथ दूसरों के लिए चलते हैं, जो परोपकार करता है, वही महान है। बाकी अपने लिए हम कुछ भी करे, कितना हूं करे, कोई इसमें महानता नहीं है। कलो शूद्र संभवा, ये सब शूद्र के कार्य है। श्री प्रभुपाद जी ने कहा महानता वो है कि हम दूसरों के लिए क्या करते हैं, हमने परोपकार क्या किया, ये सबसे बड़ी महानता है। तो यहां पर नारद मुनि विंध्याचल को कहते हैं कि भाई, विंध्याचल के मन में ये था कि मैं सबसे टॉप क्लास, मैं सबसे टॉप में रहना चाहिए, मैं सबसे ऊपर होना चाहता हूं। तो महान बनने के लिए क्या? बोले नम्रता होनी चाहिए। अच्छा, ये नम्रता, ये भक्ति, ये परोपकार, ये सब जीवन में लाना हो तो क्या करना चाहिए? इन्होंने कहा कि यदि ये सब जीवन में लाना हो तो ऐसे महान व्यक्ति का एसोसिएशन करना चाहिए, महान लोगों की संगति। और महान लोग कैसे होते हैं? जिस वृक्ष की डाली पर फल लगते हैं वो झुक जाती है। वास्तव में जो महान बनता है वो झुका हुआ होता है, वो झुकता है। तो बस अब अंत में मुझे बता दीजिए कि मुझे महान बनने के लिए इस दुनिया में ऐसा कौन महान व्यक्ति है जिसका मैं एसोसिएशन कर सकूं, जिसका मैं संग करूं, जिससे मैं महान हो सकूं? मुझे तो महान बनना है, तो ऐसा कौन है जिसके अंदर ये विनम्रता का गुण है, भक्ति का गुण है, परोपकार का गुण है, जिसके साथ रहूं, एसोसिएशन करूं और महान बनूं? तब नारद जी कहते हैं, वैसे तो बहुत सारे देवता है, लेकिन सभी देवों के देव महादेव है। यदि तुम महादेव की उपासना करो, शिवजी प्रसन्न हो जाए और शिवजी अपना एसोसिएशन तुमको प्रदान करे, शिवजी का साथ मिल जाए ना, तो तुम भी महान हो जाओगे। इस प्रकार से निवेदन किया कि शिवजी के एसोसिएशन से तुम्हें, क्योंकि शिवजी वैष्णव है और किसी वैष्णव, किसी भक्त की संगति करने से ही ये भक्ति प्राप्त होती है। भगवान रामचंद्र ने शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, लेकिन राम जी ने कहा कि ये श्रवण कीर्तन स्मरण नवदा भक्ति के पहले भी एक भक्ति है, और वो है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब तक संतों का संग नहीं करोगे न भक्ति हो पाएगी न महान बन पाएंगे। वहां भगवान ऋषभदेव ने कहा कि महत सेवा द्वार आहु विमुक्ते, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म और उनका मूल क्या है? साधु संग। और शिवजी से बड़ा वैष्णव, शिवजी से बड़ा साधु, शिवजी से बड़ा गुरु कहां प्राप्त होगा? साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु शिवजी को प्रणाम करते हुए ये श्लोक निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकला हुआ यह शब्द है। श्री नारदादे सततम सुगोप्य जिज्ञासिता ययाशु वरह प्रदाय तेभ्यो हरेर भक्ति सुख प्रदाय शिवाय सर्व गुरुवे नमो नमः। भक्तों सिचुएशन समझ रहे ना, भूमिका के विंध्याचल को महान बनना है, नारद जी ने उपदेश दिया, बोले अब महान बनने के लिए किसका एसोसिएशन? तो कहते हैं शिवजी का एसोसिएशन करो। तो शिवजी की एक महिमा चैतन्य महाप्रभु ने कुछ इस प्रकार से प्रकट की है कि श्री नारदादे सततम सुगोप्य, सतत नारद जी आदि के द्वारा जिसकी महिमा गाई जाती है, जिज्ञासिता याशु वरह प्रदाय, जो जिज्ञासा करते हैं ऐसे जिज्ञासु लोगों को वरदान प्रदान करने वाले शिव जी, तेभ्यो हरेर भक्ति सुख प्रदाय, और अपने भक्त को हरि भक्ति का सुख प्रदान करते हैं। कौन? शिवाय,
देवाधिदेव महादेव। इसलिए सर्व गुरुवे नमो नमः, इसलिए शिव जी को चैतन्य महाप्रभु ने सभी के गुरु कह दिया। रामायण में भी कहते हैं शिव जी जगत गुरु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शिवाय सर्व गुरुवे नमो नमः, सबके गुरु है शिव जी। क्यों? क्योंकि शिव जी हरि भक्ति सुख प्रदान करते हैं, जिज्ञासुओं को वर प्रदान करते हैं और नारद जी इत्यादि को सततम गुह्य ज्ञान प्रदान करते रहते हैं। यह है शिव जी की महिमा। आगे कहते हैं जन्मांतर सहस्त्रेशु सम आराध्य वृषद ध्वजम वैष्णव तत्वम लभे धीमान सर्व पाप क्षये सति। यदि कोई व्यक्ति शिव जी की आराधना करे, फिर दूसरे जन्म में शिव जी की आराधना करे, फिर कहते हैं जन्मांतर सहस्त्रेशु सहस्त्र जन्मों तक अच्छे से वृषद ध्वज कोई शिव जी की आराधना करे, फिर वह वैष्णव तत्वम लभेत, शिव जी की कृपा से वो वैष्णवत्वम प्राप्त कर लेता है। पहले तो शिवत्वम है शिव जी की सेवा भक्ति उपासना, लेकिन जन्मांतर सहस्त्रेशु समाराध्य अच्छे से वृषद ध्वज शिव जी की कोई आराधना करता है तो शिव जी की आराधना करने से क्या मिलता है? वैष्णवत्वम, जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग वैष्णव तो हो गए लेकिन हमारे अंदर वैष्णवत्व नहीं है। वैष्णव होना अलग है, वैष्णवत्वम होना अलग है। वैष्णव हो गए, ये धोती कुर्ता कंठी तिलक शिखा आदि करके वैष्णव तो हो गए, लेकिन वैष्णवत्व वैष्णवों के गुण वैष्णव जैसा होना चाहिए। कहते हैं वृषद ध्वजम शिव जी की कृपा से वैष्णवत्वम लभेत और साथ ही साथ सर्व पाप क्षये सति। ये आदि वराह पुराण का श्लोक है, यदि आप नोट कर रहे हो तो आदि वराह पुराण में कहा गया है कि इस प्रकार शिव जी की कृपा से वैष्णवत्व प्राप्त होता है। सो और एक श्लोक में बहुत सुंदर निवेदन करते हैं श्रीपाद जीव गोस्वामी, हमारे संप्रदाय के आचार्य हुए जीव गोस्वामी, जिन्होंने षड संदर्भ लिखे। तो भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्त स्त्व एके श्री गुरु श्री शिवस्य य भगवता सहा भेद दृष्टिम तत् प्रियतम एव मन्यते। शुद्ध भक्तों का ऐसा कहना है कि गुरु और भगवान शिव ये दोनों भगवान कृष्ण से अभिन्न है। शिवस्य और गुरु यह भगवता, गुरु और शिव जी भगवान से अभिन्न है। क्यों? क्योंकि भगवान का गुरु और शिव से अत्यंत प्रेम है और उस अत्यंत प्रेम चौथी लाइन में कहते हैं ना प्रियतम त्वेन, भगवान के साथ प्रगाढ़ प्रेम होता है शिव जी का गुरुजन का और इसलिए वो भगवान से अभिन्न है। सो हे विंध्याचल, ऐसे शिव जी की यदि संगति मिल जाए तो तुम्हारा काम हो सकता है। सो इस प्रकार से कहकर नारद मुनि चले गए और यहाँ पर विंध्याचल तपस्या करने लगे और विंध्याचल ने बहुत भारी तपस्या की और इस तपस्या से शिव जी प्रकट हुए और प्रकट होकर उस स्थान पर खड़े रह गए और विंध्याचल को अपनी संगति प्रदान करने लगे। शिव जी ओमकारेश्वर अमलेश्वर के रूप में वहाँ पर विराजमान हुए और फिर वहाँ सारे देवता आए। उस समय उन दिनों दानवों ने देवताओं के राज्य को जीत लिया था, इसलिए देवता आए और ओंकारेश्वर भगवान शिव को प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपका ओंकारेश्वर रूप में तो प्राकट्य हुआ है लेकिन आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हम आपकी सेवा पूजा आराधना कर सके। तब भगवान शिव का वहां पर पार्थिव लिंग परमेश महादेव के रूप में पार्थिव लिंग वहां पर निर्माण हुआ और देवताओं ने स्वयं
उस परमेश महाशिवलिंग की आराधना की, और उसकी आराधना करने से, परमेश की आराधना करने से देवता पुनः असुरों के साथ युद्ध किए और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पर ओंकारेश्वर महादेव और परमेश महादेव की ये